हेलो स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी 6 का ये लेक्चर है। बात करते हैं सिनोनिम्स में पहले वर्ड की, दैट इज़ इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसमें लचक हो, लचकीला, राइट? यानी कि वो बेंड हो जाए, बेंडेबल हो। रबरी का मतलब होता है जो रबड़ जैसा हो, ठीक है, रबड़ जैसा हो, रबड़ नहीं है बट रबड़ जैसा है, राइट? फ्लैक्सीबल का मतलब होता है बेंडेबल, लचकीला, ठीक है, ये भी आपका सिनोनिम जाता है इसका। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, ठीक है, एंड एक्साइटिंग का मतलब होता है जोशीला, जिसमें जोश भरा हुआ हो, जोशीला। वैसिलेट का मतलब होता है जिसके विचार बदलते रहें, ऐसा व्यक्ति जिसके विचार बदलते रहें, विचार बदलते रहना ये कहलाता है वैसिलेट, और इसका सिनानिम है वेवर। नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, कभी नहीं। कीवर का मतलब होता है कांपना, कीवर का मतलब होता है कांपना, ये गुस्से से कांपना या ठंड से कांपना, कीवर। कीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, जो मामूली ना हो, ठीक है, खास हो, अलग हो, तो आप इसे स्ट्रेंज कह सकते हैं, असामान्य कह सकते हैं। इम्पैकेबल यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ना करे, ठीक है, जो मिस्टेक ना करे, ठीक है, गलती ना करने वाला, कोई भी गलती ना करने वाला, गलती ना करने वाला, ठीक है, तो ये होता है फॉल्टलेस, राइट, जिसको हम क्या भी और भी क्या कह सकते हैं, निर्दोष, राइट, जिसमें कोई गलती ही नहीं है। क्रिमिनल होता है कोई भी अपराधी, जिसको हम कहें अपराध करता है, अपराधी क्रिमिनल है। परफेक्ट का मतलब होता है जो बिल्कुल सही हो, 100% हो। फेयर का मतलब होता है जो सही से न्याय करे, ठीक है, यानी कि जो भेदभाव ना करे, भेदभाव ना करने वाला, पक्ष ना लेने वाला, ठीक है। परफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं कि पूर्ण सही, बिल्कुल सही, कंप्लीटली सही। इम्पेडिमेंट, इसका मतलब होता है बाधा या कि रुकावट, जिसको हम कह सकते हैं। एंड ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब भी यही होता है, रुकावट, बाधा कोई काम करने के लिए। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, जो चीज़ साफ दिखाई दे। एलिमेंट होती है बीमारी, एलिमेंट बीमारी है, राइट। इनकैपेबल, अयोग्य, यानी कि जो किसी मापदंड के तहत एलिजिबल नहीं है। एडवांस करना यानी आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, एडवांस करना, तो प्रोग्रेस करना इसका सिनोनिम आता है। रिड्यूस होता है कम करना, राइट। हॉल्ट होता है रुक जाना, रोक लेना, राइट, हॉल्ट। एक्सटेंड होता है आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, इसे कहते हैं एक्सटेंड करना। वर्ड्स के मीनिंग आपके पास हैं, राइट, अब आप इन्हें अच्छे से एक बार करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको एक बार फिर से। इलास्टिक, लचकीला, फ्लेक्सिबल। वैसिलेट, जो एक विचार पे मत रहे, विचार बदलता रहे, वेवर। इम्पैकेबल, जिसमें कोई दोष ना हो, फॉल्टलेस। इम्पेडिमेंट, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। एडवांस, आगे बढ़ना यानी कि प्रोग्रेस करना। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, एंटोनिम्स की बात करते हैं। चलिए कलैप्स, कलैप्स का मतलब होता है किसी चीज़ को गिराना या किसी चीज़ का गिर जाना, ठीक है, गिराना या गिर जाना, तो इसका हमने एंटोनिम देना है। एंटोनिम होता है राइज करना। हैंडीकैप होता है कोई दोष होना किसी चीज़ का, यानी कि कोई चीज़ की कमी होना, राइट, तो उसे हैंडीकैप कहना कहते हैं। क्रश करना यानी किसी चीज़ को
मतलब चूर चूर कर देना उसको, ग्राइंड कर देना, ठीक है? तो चूर चूर करना यानी पाउडर फॉर्म में बना देना, तो क्रश करना। क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है? तो दोनों में फर्क है, टुकड़े टुकड़े करना है दोनों का ही मतलब, कि मतलब आपने चीज़ को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से गिरा दिया है। डॉर्मेंट यानी कि सुस्त, डॉर्मेंट सुस्त होता है, एंड इसका एंटोनिम आ जाता है एक्टिव यानी कि तेज, राइट? एक्यूट का मतलब होता है जो जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो, यानी कि बहुत फास्ट वो कर रहा हो, किसी चीज़ को समझ रहा हो, तो आप इसे तेजी से कह सकते हैं। लेकिन ये सुस्त का एंटोनिम नहीं बनता, सुस्त का एंटोनिम बनता है एक्टिव। एबल यानी कि अगेन योग्य, एंड अब्लेज का मतलब होता है जलाना, किसी चीज़ को जलाने को कहते हैं अब्लेज करना। एंशियस, एंशियस होता है जब किसी चीज़ कोई किसी खास वजह से कोई किसी खास वजह से वरीड होता है, तो उसे एंशियस कहते हैं, राइट? यानी कि आप कह सकते हैं चिंतित, राइट? क्राफ्टी होता है जो मनगढ़ंत बात बना देता है, कोई ऐसी चीज़ बना देता है जो मतलब जैसे कहते हैं कि वो बातों में बहुत चालाक है और अपनी चीज़ें बेच देता है, ठीक है? तो वो चालाक है, तो वो क्राफ्टी होता है जो बातें बना लेता है। लाइट का मतलब होता है हल्का, हल्का। केयरफ्री का मतलब होता है बेपरवाह, ठीक है? एंड केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। देखो दोनों में फर्क है, ठीक है? अगर कोई लापरवाह है तो ये एक नेगेटिव वर्ड कंसीडर किया जाता है, ठीक है? और अगर कोई बेपरवाह है, दैट मीन्स वो बंदा केयर फ्री है, तो वरिड का एंटोनिम आपका केयर फ्री बनता है, ठीक है? तो यानी कि ये बंदा बहुत ज़्यादा वरी नहीं करता है। हेजी, हेजी का मतलब होता है धुंधला, राइट? तो इसका एंटोनिम आता है क्लियर। प्लेन का मतलब होता है जो समतल हो, राइट? यानी फ्लैट हो, समतल। लाइट का मतलब अगेन हल्का। डल का मतलब होता है जो ब्राइट ना हो, ब्राइट का ऑपोजिट हम कहेंगे, ब्राइट का मतलब हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रोशनी है और यहाँ पे डार्कनेस है, तो डल है। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूसी से। थ्रिफ्टी अगर कोई काम थ्रिफ्टी कर रहा है, दैट मीन्स वो बहुत कंजूसी से काम कर रहा है, ठीक है? तो थ्रिफ्टी भी कह सकते हैं, कंजूसी भी कह सकते हैं, और किफ़ायती भी कह सकते हैं, ठीक है? तो पैसा बचाने वाला एंटोनिम क्या आ जाएगा? वेस्टफुल। क्लीन तो आपको पता है साफ, राइट? एंड लॉयल आपको पता है वफादार, ठीक है? वफादार। और अगर मैं बात करूँ रेवरेंट का, तो रेवरेंट का मतलब होता है जिसको हम कहें रेवरेंस आता है रिस्पेक्ट से, ठीक है? तो रेवरेंट का मतलब भरोसे वाला बंदा, भरोसे वाला, राइट? एक बार आप पोज करके सारे आंसर्स देख लीजिएगा, मैं इसको फिलहाल रब कर रही हूँ और फिर सारे आंसर देते हैं, राइट? चलिए, कलैप्स का एंटोनिम राइस, डॉर्मेंट का एक्टिव, एंशियस का केयरफ्री, हेजी का क्लियर, थ्रिफ्टी यानी कि किफायती, वेस्टफुल। नेक्स्ट आता है अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, तो कहलाता है कैलीग्राफर, कैलीग्राफर, कैलीग्राफर जो डेकोरेटली लिखे। अच्छा, कॉलरी की बात करें तो इसका मतलब होता है कोयले की खान, कोयले की खान, राइट? कोरियोग्राफर का मतलब होता है जो नाचने वाला हो, ठीक है? नाचने वाला मतलब नाच के सिखाने वाला, आई एम सॉरी इसको मैं कहूँगी, ठीक है? डांस मास्टर, डांस मास्टर, राइट? कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो मैप बनाता है, मैप बनाने वाला, वो कहलाता है कार्टोग्राफर।
राइट. अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, फिलेंथ्रोपिस्ट, जो प्यार करे, ठीक है, मानवता से प्यार करे. एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज मैनकाइंड, स्टडीज मैनकाइंड, राइट. मिसेंथ्रोप, वन हु हेट्स मैनकाइंड, हेट्स मैनकाइंड. मिशनरी होता है जो किराए पे काम करता है, वेज पे काम करता है, पैसे पे, दिहाड़ी पे काम करता है, तो हम कह सकते हैं किराए पर, किराए पर. कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इनटू टू वेज, ये कहलाता है एम्बिग्यूस, यानी किसी बात के दो मीनिंग निकले, एम्बिग्यूस. कंफ्यूजिंग होता है जो समझ में ना आए, ठीक है, समझ ना आए, ठीक है. कन्फ्यूजिंग, अनक्लियर, अगेन अस्पष्ट, ठीक है. लेकिन हमें पूछा क्या गया है, जिसके दो मीनिंग निकले, तो वो होता है एम्बिग्यूस. एम्बिवर्ट होता है जिसमें एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट दोनों शामिल हैं. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवाया था. एक्सट्रोवर्ट की लीडरशिप क्वालिटी है, इंट्रोवर्ट थोड़ा शाय है. और एम्बिवर्ट जो है वो मौके पड़ने पर लीडर भी बन जाता है और यूजली वो शाय भी रहता है. One who has narrow and prejudiced religious views, तो ये कहलाता है fanatic. Religious बंदा, धार्मिक बंदा कभी भी narrow या prejudiced views नहीं रखता, fanatic रखता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कट्टर. By God को भी कट्टर कहते हैं, लेकिन ये जो है ये related होता है, ये भी extremist है, लेकिन ये related होता है gender से. अगर कोई gender को लेके कट्टर है तो वो बायगॉट है, अगर रिलीजन को लेके है तो वो फैनेटिक है. दोनों का ही मीनिंग जो है वो क्या आता है, नैरो एंड प्रेजडाइज व्यूज. कई होते हैं ना जो कहते हैं कि लड़कियां काम नहीं कर सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, तो वो बायगॉट है, ठीक है. और अगर बात करें कि रिलीजन की, तो वो होता है धार्मिक कट्टरता, ठीक है. गॉड फियरिंग, जो भगवान को मानने वाला हो, ये इसका कोई रिलेशन नहीं. रिलीजियस भी जो धर्म में विश्वास करे. द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इन टू वंस ऑन माइंड कहलाता है इंट्रोस्पेक्शन, जिसका मतलब आता है आत्मचिंतन, अपना विचार करना. आपको कबीर का दोहा याद है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई. तो कबीर जी वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांक के देखो, आप में भी बहुत बुराई है, इससे पहले कि आप दूसरों की बुराई करें, ठीक है. ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कोई भी आपका नज़रिया, जो आपने देखा और उसके लिए अपनी राय बनाई. एग्जामिनेशन आप सब थ्रू करते ही हैं, यानी कि आपका एक क्राइटेरिया जिसमें आपको देखा जाता है कि आप पास होंगे या फेल होंगे. इंट्रोवर्ट होता है जो शाय हो, जो ज़्यादा बातचीत ना करता हो. सो एक बार आप इनको आराम से लिख लीजिए स्क्रीन को होल्ड करके, मैं इंक इरेज करती हूँ और एक बार फिर से आंसर. पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, कैलीग्राफर. अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, फिलेंथ्रोपिस्ट. कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इनटू टू वेज, एम्बिग्यूस. अ पर्सन हु हैज़ नैरो एंड प्रेजडाइज्ड रिलीजियस व्यूज, फैनेटिक. याद रखें, दोनों का मतलब एक्सट्रीम होना होता है, ये रिलीजन से है और ये जेंडर से है, राइट. एंड लुकिंग इन टू विद इन और वंस ऑन माइंड, इंट्रोस्पेक्शन. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं द कार इन द बैकयार्ड इज प्रूविंग टू द वाइट एलिफेंट. वाइट एलिफेंट एक ऐसी चीज़ है, कार तो ले ली लेकिन पेट्रोल डालने के पैसे नहीं हैं. आप अक्सर उसे चलाते नहीं हैं, उसकी जो माइलेज है वो कम है, तो ये कॉस्टली और यूजलेस पोजेशन हो गई. तो वाइट एलिफेंट इज कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन. ही टेक्स लीव्स वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून मतलब रेयरली. द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ इमीडिएटली, यानी कि उसको क्या किया गया है, पोस्टपोन किया गया है, राइट. पुट ऑफ का मतलब कैंसिल करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इनडेफिनेटली देने की वजह से, यानी कि इसे पोस्टपोन ही किया गया है. द रूल्स ऑफ द डील्स आर सेट फोर्थ. सेट फोर्थ का मतलब है लिख के देना, यानी स्टेटेड. शी बॉट हर न्यू हाउस फॉर अ सॉन्ग. फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है जब आपको कोई चीज़ बड़े सस्ते मिल जाए, तो दैट मीन्स वेरी चीपली, फॉर अ सॉन्ग मिल गया, ठीक है. तो यानी कि बहुत सस्ते में मिल गया. दिस इज़ ऑल फॉर द डे. कीप लर्निंग वोकैबुलरी एंड आप इसे कहीं ना कहीं पे ज़रूर नोट कर रहे हैं. दैट इज़
must thing to do. This is all for the day.